दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों अगर आप पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद, भारतीय हो तो जय हिंद नीचे कमेंट कर दें। न्यूज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। न्यूजीलैंड की पूरी टीम टेस्ट के दूसरे रोज 274 रन बनाने के बाद पवेलियन लौट गई। दोस्तों मैच के दूसरे रोज न्यूजीलैंड ने 229 रन 7 खिलाड़ी आउट से दोबारा इनिंग शुरू की तो 45 रन इजाफे के बाद पूरी टीम 274 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। इससे कबल टेस्ट के दूसरे रोज का खेल शुरू हुआ तो विकेट कीपर बल्लेबाज वाइटलिंग 42 और वेलम समरो 12 रन के साथ ग्रीज पर मौजूद थे। दोनों बल्लेबाजों ने मुताद अंदाज अपनाया लेकिन 77 रन पर नॉट आउट रहने वाले वाइटलिंग के साथ ग्रीज पर कोई जरा देर ना ठहर सका। ग्रैंड होम 20, टिम साउथी 2, सोमरो 12, एजाज पटेल 6 और ट्रेंट बोल्ट 1 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की जानिब से बिलाल आसिफ ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 5 विकेटें हासिल की जबकि यासर शाह ने 3, हसन अली और शहीन शाह फिजी ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया। लेग स्पिनर यासर शाह कम टेस्ट मैचेस में 200 विकेटें हासिल करने का रिकॉर्ड बनाने से अपने से 2 विकेटें दूरी पर हैं। उन्हें ये रिकॉर्ड बनाने के लिए अगली इनिंग का इंतजार करना होगा। पाकिस्तान की जानिब से पहली इनिंग का आगाज ओपनिंग बल्लेबाज मोहम्मद हफीज और इमाम हक ने किया लेकिन हफीज बगैर कोई खाता खोले ही आसान सा कैच देकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने हफीज को गेंद करवाई तो हफीज ने गेंद को रोकना चाहा लेकिन गेंद बल्ले से लगते ही सीधी सेकंड स्लिप में खड़े टिम साउथी के पास गई जिसे टिम साउथी ने बेहतरीन अंदाज से कैच कर लिया और हफीज हैरान कुन तौर पर देखते रह गए जैसे उनको पता ही न चला हो कि वो कैच आउट हो गए। ताहम दोनों बल्लेबाजों ने बाहमी फैसले पर फील्ड अंपायर को रिव्यू लेने का इशारा कर दिया जिसे बाद का एक्शन रिप्ले में देखने के बाद थर्ड अंपायर ने हफीज को आउट करार दिया। तो यूं दोस्तों हफीज कोई खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौट गए। तो दोस्तों आपकी हफीज की ऐसी परफॉर्मेंस पर क्या राय है नीचे कमेंट्स करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद।